बहुचर्चित वैक्सीन इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 25 दिन के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों गुम हुई पीड़िता की साइकिल बरामद की गई, जहां सिक्योरिटी गार्ड महेश राठवा के पास से ये साइकिल को बरामद करते हुए पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड की गिरफ्तारी की है। वडोदरा शहर सहित गुजरात राज्य भर में बहुचर्चित बने वैसे शहर के वैक्सीन इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना के 25 दिनों के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों मृतक पीड़िता की गुम हुई साइकिल बरामद की गई है। जहां रेलवे एलसीबी पुलिस की टीम ने सफलता प्राप्त करते हुए 25 दिनों के बाद गुम हुई पीड़िता की साइकिल को बरामद किया है, जो ये टीम ने ओपी रोड मल्हार पॉइंट पास की सोसाइटी में रहते सिक्योरिटी गार्ड के पास से पीड़िता की साइकिल के साथ उसे धर पकड़ा गया, तो वही उसकी सही जाँच और पुष्टि करवाने के लिए ये साइकिल पीड़िता की ही होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अधिक में पुलिस द्वारा सिक्योरिटी गार्ड के पास दोनों दुष्कर्म कर्मचारियों की भी काफी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, उस दिशा में सघन तहकीकात जारी की है। मल्हार पॉइंट से अंदर की ओर जाने वाले वैसे गेल ऑफिस के पास के सोसाइटी के बंद बंगलों के पेड़ के नीचे कचरे के ढेर के अंदर छुपा कर रखी वैसी पीड़िता की साइकिल को रेलवे एलसीबी टीम ने बरामद किया है। बंगले के पास के मकान में परिवार के साथ रहते सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर एटलांटिस बिल्डिंग में काम करता महेश राठवा की इसमें शामिली होने का बाहर आते हुए पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। महेश राठवा एमडी सिक्योरिटी में काम करता है। पुलिस ने महेश की प्राथमिक पूछताछ में जानकारी प्राप्त की थी कि वैक्सीन मैदान के पास से उसने ये साइकिल पाई थी, तो वहीं बंद बंगलों के पेड़ के पास कचरे के ढेर में छुपाकर उसने रख दी थी, तो वहीं साइकिल का एक टायर भी उसके द्वारा निकाला गया था और बाद अन्य एक टायर भी निकालने के साथ उसे कबाड़ी में बेचा गया था। जहां साइकिल की पुष्टि करवाने के लिए पीड़िता की सहेली द्वारा दिए गए वर्णन के मुताबिक ही वो साइकिल होने की जानकारी प्राप्त हुई है। घटना के 25 दिनों के बाद पीड़िता की साइकिल को ढूंढने में पुलिस ने पहली सफलता प्राप्त की है, तो वहीं इस संदर्भ में अब पुलिस द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की सघन पूछताछ का दौर जारी करते हुए केस को सुलझाने की दिशा में तहकीकात का दौर जारी किया था।